अरे हाँ जी चार पैसे बढ़ अच्छा जी ये डबल की होगा। आज हम आए हैं ग्वाल मंडी तारा भट्ट के देसी मुर्ग चने देखे जी। यहाँ कितना रश लगा हुआ है, रश ही रश है यहाँ पे। अब कितने का कर दिया लेक्चर साहब? हाँ जी दो सीने पकड़ चले क्या लगाने इसके बाद सामने नहीं है वो उधर चले गए हैं उधर चले गए तीन लाख दो चने ना पीस है और यानी बाबा अपना हमें ट्राई करके बताएंगे ये कैसा टेस्ट है इनका। बहुत गर्म है जी। कैसा टेस्ट है देसी मुर्गे का? बहुत मजेदार। तारा भट्ट देसी मुर्ग ग्वालवर्णी में आई चाचे फीका लस्सी वाले के सामने। टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। साथ में थोड़े से चने भी मंगवा लिए हैं और ये देखने हैं देसी मुर्गा और ये देसी यान क्या देसी यान और देसी मुर्गा देसी यान और देसी मुर्गा चने चने भी है। चलो मुर्गा तो थोड़ा हमें देखना ट्राई करके बताओ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा मैं भी जरा ट्राई करूँ।
वाइट एक बनाई है मैंने। अच्छा वाकई बहुत टेस्टी है, जबरदस्त। मुर्गे की बॉडी इसने निकाल लिया, ये देखिए जरा, इसने नान के ऊपर रख ली है और ये शोरबे में डिप कर रहा है, दिखाएं जरा इधर। और ये फिर चने भी लगा लिए इसने, ओ हा 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 हा, क्या बात है, कुछ मजे लेके खा रहा है ये। देख ले इसने पॉइंट निकाल के ना नान के ऊपर रख लिया बॉडी, और एक साइड पर ये देखे शोरबा और एक साइड पर ये चने, ये मजे ले लेके अब इंजॉय कर रहा है। एक जरा मुझे भी दे जरा निवाला, जरा मैं भी आपको जरा देसी मुर्गा ट्राई करके बताऊंगा कैसा है। ये शोरबे में डिप कर लिया, हाँ हाँ हाँ, क्या बात, बहुत टेस्टी है। सुबह आज संडे का मज़ा आ गया, कोई देख रहे हैं यार, मज़े ले लेके जा रहा हूँ। और मैं भी अब खा के आपको बताता हूँ, देखें ये भी देसी मुर्गा का शोरबा पी रहा है। हाँ जी मज़ा आ रहा है, ये चलिए ये देसी शोरबा, ये देखिए शोरबा सारा पी गया ये, मतलब देखिए इंजॉय कर रहा है खाने का। देसी मुर्गा का तो नाश्ता हमने कर लिया, अब हम ग्वालपट्टी के अंदर ही और कुछ चीज़ देख रहे हैं तो मज़ेदार सी तलाश कर रहे हैं, और अब आप देख के फिर आपको बुलवाते हैं। रोड पे लाला जी हलवा पूरी वाले हैं, अस्सलाम वालेकुम, कीमे वाली टिक्किया बना रहे यार, चार पैसे बड़े उन्होंने बड़ा दी पैसे कर यार। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਪੂਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਲੋਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋੜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਡਬਲ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੀ, ਇਤਨੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਲੋਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਲੰਮੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 40 ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋ पूरी वैसे मैं देखी नहीं एडी पूरी शॉप का नाम की है बिल्ला पूरी हलवे वाला बिल्ला ये निस्बत रोड पे जी इनकी शॉप तैयार आ रहे हैं।
हलवा पीने वाला है लाला जी हलवा, इस पर रोड पर दयाल सिंह कॉलेज के सामने पूरी का शायद देखो माशा नहीं एक कतलमा है गाजे कतलमा चने भी आ गए और अब याद है मैं टेस्ट करके बताएंगे ये कैसी है। पहले ये देसी मुर्ग आ गया है जिस पर रोड पे आप दिखाएंगे दिवाला दिखाए इधर इधर अच्छी नहीं है या गर्म है ज्यादा चलो दोबारा ठीक है पीके है देसी पूरा खा गया है ना इसीलिए तुझे टेस्ट अच्छा नहीं चने फीके फीके लगे हैं और स्पाइसी स्पाइसी देसी पूरा खा गया है ना ले जी मैं भी आपको जरा टेस्ट करके दिखा दूंगा चने जो है ना ज्यादा स्पाइसी नहीं है पूरी तो टेस्टी है वैसे चने नॉर्मल है क्योंकि आपने भी नाश्ता किया हुआ वो इसकी वजह से आपको ज़्यादा लाइट लग रहे हैं मुझे तो वैसे अच्छा लगा है इसका टेस्ट मुझे तो यार इसका टेस्ट अच्छा लगा और इनसे कह रहे हैं कि इनका पूरा ट्राई करें इनका पूरा डलवा के देखते हैं ये कह रहे हैं इनका पूरा भी ट्राई करें हमने पूरा भी उगवाया ये पूरा देख रहा ट्राई करके देख खाली खाली हाँ जी खाओ जरा उठा के और ये बताओ कैसा है टेस्टी है पूरा मजे का लगा हलवा चने भी मजेदार है आपने जो है ना स्पाइसी स्पाइसी नाश्ता किया हुआ है देसी मुर्ग का और चने बड़े लाइट से और बड़े मजेदार चने हैं मुझे तो बड़े अच्छे लगे और इसकी पूरी भी अच्छी लगी है देखिए पूरी का साइज कितना हैवी है और ये पूरी भी इनकी बड़ी इकोनॉमिकल है 40 रुपए की दे रहे हैं और ये देखिए बातें करना जा रहा और मजे ले लेके खाई जा रहा है बाहर नहीं आता ये देखिए हाँ जी अब मैं भी बंद कर रहा हूँ कैमरा और खा के फिर बताते हैं आप नाश्ता हमने कर लिया बिल्ला हलवा पूरी वाला लाला हलवा पूरी बिल्ला इस पर रोड पर और ये यान साहब ने मोटरसाइकिल पे बैठ गए हैं रेडी हो गए हैं और अब दिल कर रहा है कहीं से चाय पिए कहीं देखते हैं अगर रास्ते में अगर हमें मिल गई तो फिर हम चाय पियेंगे चले जी यान साहब देसी मुर्ग और फिर हलवा पूरी खाया मज़ा आया और ये देखें एक शॉपर इसने पैक भी करवाया हुआ है देसी मुर्ग का ये उठ के खाएगा जब अच्छा जी चलो चलते हैं स्ट्रीट ग्वाल मंडी में कोटा मारपुर कैफे मिल गया चाय वाला इधर से हम चाय पियेंगे पराठे तैयार हो गए चाय तो बनवाए
अच्छा जी, ये डबल की होगा। तैयार हो रही है केतली के बीच, ये केतली उधर कोयटा में ऐसी होती है, बलोचिस्तान में ऐसी चलती है। ज़रा काम रख, ठीक है। आलू वाले पराठे ले लेते हैं, आते हैं लच्छेदार नाश्ता तो हमने कर लिया, वरना पराठा खाते हैं। ये देखे पराठे आ गए लच्छेदार पराठे। किया देसी मोरा खाया, फिर उसके बाद पूरी हलवा खाया, और अब ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में। अब ये कोयटा मारकोट चाय वाले हैं, कैफे वाले हैं, उनसे अब करक्स चाय पी रहे हैं। अब देखा चाय पिए ताकि ज़रा ऑयली ऑयली चीज़ें अंदर गई है, ज़रा सारा लेवल हो जाए, क्योंकि यहाँ साहब चाय बहुत गर्म है और यहाँ को ना नींद भी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आठ बज गए हैं। क्या टाइम हुआ है? 8:10। अच्छा जी, 8:15 हो गए हैं। अब हम चाय पिए के फिर हम घर जाएंगे, और फिर जाके हम सो जाएंगे, ठीक है। अभी चाय थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर रात बताते हैं कैसी चाय है। जी जी, गर्मा गर्म चाय आ गई है। अयान साहब अब हमें चाय पी के बताएंगे कि चाय कैसी है। फुल करक चाय, कर रहे कैसे गरम 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 चाय। अभी वेट करते हैं जी, अब ठंडी होने का। अच्छा जी, फुल ट्रकों वाली चाय, मज़ा आ गया। गरम गरम अच्छा जी, चले जी। मुझे चाय का बड़ा ही मजा आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी कर दें, और अगर आप और नई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।